my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. Today I'll be sharing my May favorite products, or should I say products/moments as well, because May month mein na products se zyada mujhe moments aur experience se khushi mili hai. Aap sabne dekh liya hoga mere previous vlog mein. After years, I think after COVID, maine ek trip kari thi mountains mein, trekking trip with my besties, aur maine pura vlog bhi kiya. Mera first ever travel vlog live ja chuka hai mere channel pe. Please go ahead and watch, because tum sab kehte rehte ho ki vlogs banaye karo, aur jab main banati hu to views nahi aate. सो इफ यू गाइज वॉन्ट कि मैं थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ और जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो थोड़ा सा ब्लॉगिंग वे में भी शेयर करूँ, देन मेक श्योर कि आप उस चीज़ को देखो, अप्रिशिएट भी करो. व्यू देने से, कॉमेंट करने से कुछ चला नहीं जाता यार. तभी मैं और कॉन्टेंट बनाऊंगी अगर वहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ना. मैं फालतू में ब्लॉग बनाती हूँ और कोई देखे ना. बट अब हम बात करने वाले हैं मे मंथ में मेरे कौन से फेवरेट प्रोडक्ट्स रहे हैं. मैं ट्रिप पर भी गई थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ढूंढी हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आई हैं. सो अगर आप भी फ्यूचर में कोई ट्रिप पर जाने वाले हो ना, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिलने वाले हैं. एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, एंड दैट इज इट. और बाय द वे, जो लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे गिवअवे सीरीज करी थी, उसमें मैंने 3 गिवअवे रखे थे यूट्यूब पर. उसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, आज मैं कर दूंगी वीडियो, कल लाइव जाएगी तो ये जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा. आप प्लीज मेरे कम्युनिटी ऐप पर जाना, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज चेक कर सकते हो, मैंने वहां पर भी विनर्स मैं बता दूंगी. सो मेक श्योर यू आर हुक्ड टू बोथ द प्लेटफॉर्म्स. और फ्यूचर में बहुत सारे गिवअवे आने वाले हैं, जस्ट इन केस आप नहीं जीते, कुछ नहीं होता यार, बहुत सारे गिवअवे फ्यूचर में आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट्स गो. लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट परचेज ऑफ माइंड फॉर द ट्रिप, विच इज अ ट्रॉली बैग. सो मेरे पास ना तो बहुत छोटे बैग्स हैं या फिर बहुत बड़े वाले सूटकेस हैं. और जब 2 या 3 दिन की ट्रिप पे जाना होता था ना, हमेशा ही होता था मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा बैग कैरी करूँ. सो इस बार लिटरली जाने से 1 वीक पहले मैंने रैंडमली अमेजोन पे सर्च किए कोई अच्छे बैग्स मिल रहे हो तो, और मैंने स्काई बैग्स का सेक्शन चेक किया, बिकॉज आई थिंक स्काई बैग्स एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, बिकॉज आप आँख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हो क्वालिटी उनकी अच्छी होगी होगी. सो उसमें मुझे डील पर दिखा ये वाला बैग जो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, 1700 समथिंग का मुझे पड़ा था सेल पे, मैंने ऑर्डर डाल दिया. नेक्स्ट डे के अराउंड मुझे रिसीव भी हो गया था. इट्स अ वेरी नाइस स्पेशियस ट्रॉली बैग. सो मुझे इसी टाइप का बैग चाहिए था जो बेसिकली आप लटका भी सकते हो, लाइक अगर आपको कंधे पे रखना हो, बिकॉज ये चौड़ा भी होता है लेकिन आप कंधे पे स्टिल रख सकते हो अगर आपको इधर उधर थोड़ा उबड़ खाबड़ रस्ते पे चलना होता है तो. और इसमें नीचे ट्रॉली भी थी विद हैंडल, तो अगर आप उसको ड्रैग करना चाहते हो आप ड्रैग भी कर सकते हो. प्लस इसकी ऊपर की जिप भी ऐसे स्क्वायर वाली है तो प्रॉपर ऐसे खुलती है, आप चीजों को ढूंढ सकते हो. इट्स नॉट दैट सेंटर वाली जिपिंग जिसमें खाली ढूंढने में प्रॉब्लम आती है. सो ये बैग मुझे काफी अच्छा लगा. मैं ट्रिप पर यही लेके गई थी, मैंने अच्छे से इसको इधर उधर ट्रैक कर करके लेके गई हूँ. पूरा ये सफर करके आ चुका है हिमाचल तक का, एंड इट इज स्टिल इंटैक्ट. मुझे अच्छा लगा. इसमें 2 पार्टिशनिंग भी थी, वो भी एकदम परफेक्ट थी. इसके साथ वारंटी कार्ड भी आया है और वो सब जो भी चीज़ें आनी होती है. सो इट्स काइंड ऑफ ओरिजिनल फ्रॉम अमेजोन एज वेल. सो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो अगर आप ढूंढ रहे हो, इन केस आपको कहीं जाना हो, आपको ट्रॉली बैग चाहिए हो, तो ये रिकमेंडेशन काफी सही है. बाय द वे, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और एक माय हॉट स्टोकर लिंक मिलेगा, उस पर जब क्लिक करोगे ना आपको सारे प्रोडक्ट्स इजिली अवेलेबल होंगे विद प्राइजेस, तो आपके लिए ज्यादा ईजी होगा शॉप करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. माय नेक्स्ट फेवरेट जो अगेन ट्रिप से रिलेटेड है वो है ये सैंडल्स. आई थिंक ये मैंने पहले भी लास्ट ईयर आई गेस किसी मंथली फेवरेट में दिखाई होगी, बिकॉज आई एम श्योर मुझे उस टाइम भी बहुत पसंद आई थी. इसको अब 1 साल होने वाला है. मैंने लास्ट ईयर जुलाई में परचेज करी थी. इट इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड ट्रास ट्रेस, आई डोंट नो, अमेजोन से मैंने रैंडमली पिछले साल ले ली थी. एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट फुटवेयर फॉर रोड ट्रिप्स. कभी आप रोड ट्रिप पे जाते हो ना, आप बस से जाते हो, स्पेसिफिकली बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, आपको उतरना पड़ता है, और आप जो शूज पहनते हो ना बाबा, टाई करना, झुकना. हम वाटरफॉल में भी गए, आई रिमेंबर मेरी सब फ्रेंड्स ने शूज पहने हुए थे, तो बाबा वाटरफॉल में जब जाना होता है बार बार सॉक्स उतारो, शूज उतारो, फिर लेसेस बांधो, बहुत हेक्टिक हो जाता है. तो मुझे ये वाले फुटवेयर इतने सही लगे ना, इनका बेस इतना मोटा है तो मैं पत्थरों पे भी चल रही थी, मैं बिल्कुल भी स्लिप नहीं हुई, मुझे ग्रिप बहुत अच्छी मिली. प्लस इसका ना वेलक्रो वाला सिस्टम है आगे पीछे दोनों साइड, तो अगर आपके पैर बहुत पतले हैं, किसी के पैर स्लीक होते हैं, लाइक मेरे पैर लंबे हैं लेकिन पतले हैं आगे से, तो मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ अपने हिसाब से, तो ये हर फुट के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर साइज लोगे तो आगे से आपको डील आएगा, आप इजिली वेलक्रो से टाइट कर सकते हो. थोड़ी सी फ्लैट अप हो चुकी है बिकॉज 1 साल हो चुका है, तो थोड़ा सा इसका फॉर्म अप धरना शुरू हो गया, बट स्टिल 1 साल के यूसेज के हिसाब से अमेजिंग क्वालिटी. आई स्टिल रिमेंबर मैंने स्टोरीज भी डाली थी वो आउटफिट जो मैंने रिवर साइड पर पहना था, इतने लोगों के डीएम्स आए थे ये सैंडल का लिंक दो, और मैंने लिंक दिया था. एंड आई थिंक 1 या 2 दिन में ये वाली सैंडल आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी. अभी भी वो वाला जो कलर है उसमें शायद सारे साइज अवेलेबल नहीं है. मैं नीचे लिंक कर दूंगी, इसमें 1-2 कलर्स ऑल अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो. सो अगर आप भी रोड ट्रिप पे जा रहे हो, दीज सैंडल्स आर लाइक द बेस्ट, यू हैव टू बाय. नाउ कमिंग टू ब्यूटी एंड मेकअप कैटेगरी, अनदर फेवरेट जो मुझे ट्रिप पे काफी पसंद आया है, इस वीडियो का नाम होना चाहिए ट्रिप फेवरेट्स, बट नेवर माइंड है, मेरी पूरी जो मंथ की
बाकी का टाइम गया था, बड़ा थकेला सा गया था, खाली वो जो ट्रिप थी वो सबसे अमेजिंग थी, इसलिए मेरे सारे फेवरेट विंग्स से निकल के आ रहे हैं। सो ये मैंने बहुत पहले लिया था, आपको याद होगा अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो, मैंने एक बनाया था समर एसेंशियल्स अमेजॉन हॉल और उसमें मैंने परचेज किया था बिकॉज मुझे इसका कंसेप्ट काफी यूनिक लगा। ये एक लूज पाउडर है लेकिन ये SPF टॉप अप लूज पाउडर है, बेसिकली इसके अंदर SPF है 30+ PA 4x+ की इसमें प्रोटेक्शन दी हुई है, इसमें जिंक ऑक्साइड का पाउडर है बेसिकली जो अगेन एक कहीं ना कहीं SPF की लेयर बनाता है। सो काफी बार ना मुश्किल होता है, आपने एक बार SPF लगा ली 2-3 घंटे हो जाते हैं, हम रिटच नहीं कर पाते, गर्मी और लगती है, ग्रीसी भी बड़ी होती है स्किन, तो मैंने अभी तक तो वो SPF वाली स्टिक ट्राई नहीं करी है। मैं डेफिनेटली फ्यूचर में करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपके उसकी अच्छी रिकमेंडेशन है तो प्लीज मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मुझे चाहिए रीएप्लीकेशन की स्टिक। भयंकर वाली गर्मी हो चुकी है और मैं एक्ने की ट्रीटमेंट यूज करती हूँ तो मुझे तो SPF टॉप अप करनी ही होती है। सो मैंने ट्रिप पर ये कैरी किया था, इसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रश और रख लिया था और मैंने इसको बीच बीच में टचअप कर लिया था। इससे सबसे बेस्ट फायदा क्या हुआ, जो मेरी ऑयलीनेस थी, ग्रीसीनेस थी, वो तो कम हो ही गई बिकॉज ये अगेन एक लूज पाउडर है, स्किन कलर का है, प्लस इसने बहुत अच्छी कवरेज भी दी, जो थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स लाइक जो रेडनेस होते हैं थोड़े बहुत उसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया। द ओनली थिंग इज द पैकेजिंग, बाय द वे ब्रांड का नाम मैंने नहीं बताया, इसका नाम है संदीवा SPF टॉप अप लूज पाउडर, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। मेरे पास है शेड नंबर 11, आई थिंक इनके एक या दो ही शेड आते हैं, मैंने 11 नंबर लिया था। द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज द पैकेजिंग, एक तो ये ऐसे है आप देख सकते हो, पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट स्पिल हो चुका है, यहाँ पे मिरर भी आपको मिलता है लेकिन वो पूरा डर्टी हो गया है, और यहाँ से सारा प्रोडक्ट मतलब इतना ज्यादा इसमें प्रोडक्ट निकलता है ना, विच इज अनबेरेबल। इसका स्पंज तो मैंने यूज ही नहीं किया, लाइक ये रहा स्पंज, कैन यू सी, ये पूरा SPF में भर चुका है। जस्ट स्वॉच अ लिटिल, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसा फील होता है। सो दिस आउट लुक्स लाइक, काफी अच्छा एकदम फाइन पतला है पाउडर है। सो मैं इसको कहीं से भी नहीं कह रही कि ये SPF का मुकाबला कर सकता है, अगर आप लगा सकते हो SPF रीअप्लाई कर सकते हो वेल एंड गुड, वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला सीन है। एटलीस्ट थोड़ी सी SPF मेरे फेस पे जाएगी, थोड़ा सा सन प्रोटेक्शन देगी, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा। आई विश इसका कोई कॉम्पैक्ट फॉर्म आता जिसको मैं ड्रैग करके ऐसे लगा पाती, वो ज्यादा लाइक टाइडी रहता, इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करना पड़ता, अदरवाइज की स्पिलेज बहुत ज्यादा होती है। बट अगेन अगर आप भी कुछ देख रहे हो जो आपके ऑयल को कंट्रोल करे, थोड़ा बहुत SPF की लेयर आपके फेस पे बना दे, देन दिस इज अ नाइस ऑप्शन। टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन, मैंने ट्रिप पर कैरी करी थी ये वाली सनस्क्रीन, जो एक बेसिकली फिजिकल सनस्क्रीन है लेकिन ये टिंटेड है, ये रिकॉल की शियर जिंक टिंटेड सनस्क्रीन, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये मैंने परचेज करी थी, आई थिंक अमेजोन से मैंने परचेज करी थी, मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी लास्ट मंथ, बेस्ट फिजिकल सनस्क्रीन इन इंडिया। अगर आप पर्टिकुलरली फिजिकल सनस्क्रीन यूज करना प्रेफर करते हो ना, तो वो वीडियो जाकर देखना, यू विल फाइंड सम रियली नाइस ऑप्शन, और उसमें खाली जो एक टिंटेड वर्जन था वो इसी सनस्क्रीन का था। सो मेरा क्या था, इस बार ट्रिप पर मैं सोच रही थी मैंने ज्यादा मेकअप नहीं करना, बिकॉज जब पहाड़ों में जाते हो मैं इंजॉय करने जाती हूँ यार, मैं इतना को भर भर के मेकअप नहीं करना चाहती थी। सो मैंने स्पेसिफिकली यही कैरी करी कि चलो टिंटेड है, थोड़ा बहुत एक टिंटेडनेस आएगी, मेरे फेस की जो रेडनेस है, एक्ने मार्क्स है, थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली फाउंडेशन है, ये हाइड नहीं करती लेकिन स्टिल ये रेडनेस को काफी अच्छे से कवर कर देती है, एंड इट डिड द जॉब प्रिटी वेल। द ओनली थिंग इज ये हैवी फील होती है, बिकॉज ये टिंटेड है ना, तो ये ऐसी लाइट नहीं फील होती, यू विल फील अ नाइस फाउंडेशन सॉर्ट ऑफ लेयर ऑन योर स्किन, लाइक आप देख सकते हो इसको लगाते हो भी ऐसा फील होता है जैसे मैं कोई फाउंडेशन लगा रही हूँ, और ये भी एक सिलिकॉन सनस्क्रीन है, इसमें लिटरली उस सिलिकॉन की एकदम स्मूथनेस जैसे प्राइमर फील होता है बिल्कुल वैसा फील होता है, एंड यू कैन सी अ स्लाइट डिफरेंस, आप देख सकते हो यहाँ की नर्व्स कितनी अच्छे से थोड़ी बहुत हाइड हो गई, वाइल इसकी कितनी ज्यादा क्लियरली विजिबल है। तो थोड़ा बहुत जो भी एक्ने मार्क्स एंड ऑल होते हैं ना, उसको डेफिनेटली ये कवरेज देने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सो अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपके हल्के फुल्के एक्ने मार्क्स को हाइड कर दे, रेडनेस को कम कर दे, और आप डेली लाइफ में ऑफिस जाना चाहते हो, कॉलेज जाना चाहते हो, आपको हल्की फुल्की कवरेज चाहिए, उसके हिसाब से काफी अच्छी है, फिजिकल भी है, टेंटेड भी है। सो आप ये ले सकते हो, इसको लगा के इतना कोई स्वेटी फील नहीं होता, एंड इट इज वेरी स्मूथ एंड प्राइमर लाइक। सो अगर आपकी स्किन क्रैक होती है ना कोई फाउंडेशन लगा के, ये आपको बहुत सही लगने वाली है। मैंने पहाड़ों में ये यूज करी थी, भरी धूप में लगा था, जब हम ट्रैकिंग पर भी गए थे, मुझे इतना कोई केकीनेस फील नहीं हुई। द थिंग इज आपको इसको सेट करना पड़ता है, तो मैंने इसी के ये वाला संदीवा वाले लूज पाउडर से सेट भी कर लिया था, दो लेयर हो गई थी SPF की अच्छे से। दिस पर्सनल ग्रेट ऑप्शन अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपको हल्की फुल्की कवरेज चाहिए, आप BBCC क्रीम नहीं लगाना चाहते, तो आप ये लगाओ और उसके बाद कोई भी SPF लूज पाउडर लगा लो, यू आर गुड टू गो, आपका फेस एकदम सेट रहता है, थोड़ी बहुत रेडनेस कम हो जाती है। माय नेक्स्ट फेवरेट आर दीज मल्टी पॉट्स फ्रॉम द ब्रांड लव अर्थ, इनका मेरे पास PR आया था, इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट सारी शेड रेंज भेज दी थी इनके मल्टी पॉट्स की, बहुत सारे इनके शेड्स आते हैं, मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर सर्च भी करके दिखाया था, मैंने अपने टॉप फेवरेट भी बताए थे उस टाइम, और अब मैं आपको और थोड़ा सा प्रॉपर बता सकती हूँ कि मेरे उस टॉप फेवरेट में भी कौन से टॉप फेवरेट है, बिकॉज इनके बहुत सारे कलर्स आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है ना, मैं आपको 3 शेड्स रिकमेंड करना चाहती हूँ जो आप शॉर्ट ले सकते हो। सबसे पहले एज अ ब्लश जो मुझे अच्छा लगता है वो
है ये लव अर्थ का किस एंड टेल दिस आउट लुक्स लाइक. ये पैकेजिंग से थोड़ा सा पर्पल पर्पल फील होता है बट ट्रस्ट मी इसका बहुत अच्छा एक वार्म टोन कलर है जो न्यूड सॉर्ट ऑफ कलर है जो मैंने आज अपने चीक्स पर लगाया हुआ है. इट्स नॉट समथिंग पिंकी एंड बबली. अगर आपको बिल्कुल रेड पिंकी वाले ब्लशेज नहीं पसंद ना जो थोड़े से अजीब लगते हैं काफी बार तो आप ये ले सकते हो. ये काफी अच्छा एक वार्म्थ देता है आपके फेस को. इट्स ऑलमोस्ट फील लाइक अ नाइस ब्रॉन्जर ऑन योर स्किन. सो समर लुक के हिसाब से काफी अच्छा लगता है. मैंने ट्रिपल ये यूज किया था. इसको आपने लिप्स पर यूज कर सकते हो आईलेट पर भी बिकॉज ये मल्टी पॉट है. इस पर लिखा हुआ है लिप चीक एंड आईलेट. मैंने इसको सबसे पहले लिप्स पर भी यूज किया था. देख सकते हो इस वीडियो में मेरे लिप्स के ऊपर कैसा लग रहा है. सो चीक और लिप्स दोनों के लिए काफी सही लगता है. बहुत अच्छे एक नेचुरल फिनिश देता है. बिल्कुल ओवर द टॉप नहीं लगता. सेकंड फेवरेट शेड इज अ प्रॉपर पिंक सॉर्ट ऑफ ब्लश जो दिखता है कुछ इस तरह से. इसका नाम है बी द चेंज. इसको मैंने लगाया अपनी आईलेट्स पर आज बिकॉज थोड़ा सा मेरा आउटफिट ब्लिंकी ब्लिंकी सा है ना, मतलब कलरफुल है, तो थोड़ा सा मैंने कलर अपनी आईज पर भी डाल दिया. ये भी काफी अच्छा पिंक कलर का एक टोन का ब्लश है. आप इसको अपने चीक्स पर लगा सकते हो, आईज पर लगा सकते हो. बहुत अच्छा लगता है बट मैं इसको चीक्स पर अभी अवॉइड करती हूँ बिकॉज एकदम चटाक वाला पिंक लगता है. आई थिंक विंटर्स में ये वाला काफी अच्छा लगेगा ऑन योर चीक्स बिकॉज तब हल्के हल्के रेड हो जाते हैं वैसे भी ठंड की वजह से, तो ये अच्छा लगता है. एंड माई थर्ड फेवरेट जो अभी तक मैंने प्रॉपरली यूज नहीं किया है बट मुझे इसका बटरी फॉर्मुला बहुत पसंद आया है. इनफैक्ट ये श्रेया जैन का ही फेवरेट है. मैंने उनकी कोई रीसेंट वीडियो देखी थी, उन्होंने यही वाला शेड बताया था जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है आजकल. ये है लव अर्थ का वॉच मी स्ले शेड. ये अभी बॉक्स में रखा हुआ, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया. बाय द वे दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय लव अर्थ. मुझे पीआर में आई थी, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा. द ओनली कॉन अबाउट दीज टिंट्स आर ये एक इनकंसिस्टेंट है एज इन इनके टेक्सचर जो है वो डिफरेंट है. लाइक ये पिंक वाला थोड़ा सा हार्ड है, फिर ये जो पर्पल वाला है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था किस एंड टेल ये थोड़ा सा और सॉफ्ट है. और ये वॉच मी स्ले तो एकदम बटर की तरह है, मतलब ये मक्खन की तरह ग्लाइड होता है. दिस इज हाउ द टेक्सचर लुक्स लाइक. प्रॉपर एक न्यूड ब्राउन कलर का ये शेड है. अगर आप कोई कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर ढूंढ रहे हो ना, गो फॉर दिस वन. आप इसको एज अ क्रीम कॉन्टोर यूज कर सकते हो, आईलेट्स पर यूज कर सकते हो, लिप्स पर यूज कर सकते हो एज ए न्यूड कलर. तो काफी मल्टीपर्पज ये प्रोडक्ट है. अगर आप इनिशियली बिगिनर हो ना, फालतू में 10-15 प्रोडक्ट्स मत लो. आप ऐसा एक बेसिक प्रोडक्ट लो जिसको आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हो. ये एज अ ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोर इतना प्यारा लगेगा ना बिकॉज का बहुत अच्छा एक न्यूड ब्राउन सॉर्ट ऑफ टेक्सचर है. मैंने आज उसको अपने लिप्स पर ही लगाया है. मैंने पहले मार्स की लिपस्टिक लगाई जो आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ, मेरी फेवरेट है. उसके ऊपर मैंने इसको टॉप अप कर लिया था बिकॉज एक थोड़ा सा उसको टेम डाउन भी कर रहा था. वो एकदम चटैक पिंक लग रहा था मुझे इस आउटफिट के हिसाब से, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने न्यूड कलर लगा लिया था. और ये कलर मेरा फाइनल बना है दो शेड्स को मिला के. सो अगेन यू कैन यूज इट इन मल्टीपल वेज. ये हमेशा 50% ऑफ पे रहते हैं. अमेजोन पर भी अभी भी 50% ऑफ पे है, तो आप ले सकते हो. सो डेफिनेटली चेक दीज आउट. नेक्स्ट फेवरेट जो मैंने पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है वो है ये मार्स की लिपस्टिक्स. मेरे पास इनका एक सेट आया था पीआर में विच इज लाइक अ सेट ऑफ 3. इनका एक बॉक्स आता है मैट लिपस्टिक का, मैटनीज मैट बॉक्स समथिंग आता है. उसके अंदर 3 शेड्स थे. मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ एक वीडियो बनाई थी बेस्ट लिपस्टिक्स अंडर ₹299 फॉर एवरीडे यूज. आप वो जाके देख सकते हो. मैंने तीनों शेड्स उसमें सर्च करके दिखाए थे. सो उसमें जो मेरा फेवरेट शेड है ना इनके पीचेस एंड न्यूड बॉक्स में से वो है ये वाला शेड 05 ड्रीम चेजर. इतना प्यारा ब्राइट एकदम लाइक इट्स नॉट वेरी लाउड पिंक, इट्स नॉट दैट लाइक न्यूट्रल वाला पिंक. एकदम परफेक्ट इसका पिंक कलर है. आप देख सकते हो मैंने जब स्क्रीन पर लगाया तो ये कैसा लग रहा है. इस आउटफिट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा लाउड लग रहा था इसलिए मैंने इसको वो वॉच मी स्ले वाले शेड से थोड़ा सा टेम डाउन कर दिया था. अदरवाइज इट इज अ वेरी प्रिटी कलर. ये वाली जो कलेक्शन है ना ये मैट है एज इन इतनी ट्रांसफर नहीं होती बट ये इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. आपको इसको टचअप करना ही पड़ेगा बट इट इज वेरी कंफर्टेबल. अगर आपके लिप्स बहुत जल्दी चाप हो जाते हैं ना, आई वुड से ऐसी लिपस्टिक्स कैरी करो. एकदम मक्खन की तरह बटर की तरह फील होती है. इसका इम्पैक्ट टेस्ट भी थोड़ा सा चॉकलेटी जैसा है, लाइक जो आप हॉट चॉकलेट एंड ऑल पीते हो ना, इसका बिल्कुल ऐसी फ्रेग्रेंस और टेस्ट आता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ रीपर्चेज आफ्टर एजेस. आई स्टिल रिमेंबर 2 या 3 साल पहले, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने एक हेयर केयर वीडियो बनाई थी मैंने उसमें फीचर किया था ये सनसिल्क का एग प्रोटीन वाला शैम्पू. ये इनका है सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू जैसे येलो कलर की पैकेजिंग में आता है. यहाँ पर स्पेसिफिकली पढ़ना एग प्रोटीन लिखा होगा बिकॉज इनके आई थिंक 2 वेरियंट आते हैं, एक नॉन एग वाला भी आता है शायद. लेकिन ये एग प्रोटीन वाला इतना अच्छा शैम्पू है ना, अगर आप सस्ते में अफोर्डेबल में कोई शैम्पू देख रहे हो जो आपके बालों को स्मूथ बना दे जिसमें फोम बहुत अच्छा बनता है, आपके बाल क्लेंजी हो जाए, गो फॉर दिस वन. ये आपको अमेजोन पे सारे साइजेस में अवेलेबल होगा, आप ले सकते हो डेफिनेटली. वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ. अगर आप एग यूज करने के लिए कंफर्टेबल होना इसको ट्राई करके देखना. ये सल्फेट वाला शैम्पू है, ये नॉन सल्फेट शैम्पू नहीं है. एंड आई एम ओके, मैं मंथ में या फिर यू कैन से 15 डेज में एक बार सल्फेट वाला शैम्पू यूज करती हूँ बिकॉज ये स्कैल्प को बहुत अच्छे से क्लेंज कर देते हैं. तो जब भी मुझे लगता है ना मेरे नॉन सल्फेट वाले शैम्पू इतने अच्छे से स्कैल्प को क्लेंज नहीं कर रहे, मेरी स्कैल्प पे कंजेशन फील हो रही है, तो मैं सल्फेट वाले शैम्पू यूज कर लेती हूँ. यू कैन डेफिनेटली यूज वंस और ट्वाइस अ मंथ.
मंथ की छोटी वाली बॉटल ट्रिप पर भी लेके गई थी, लेकिन मैंने साशे रख लिए थे ना, तो मैंने साशे यूज कर लिया, अदरवाइज मैंने इसकी छोटी बॉटल भी ली थी। दिस इज रियली नाइस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस डॉक्टर शेद का हल्दी एंड हाइड्रोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क। आई रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने इस ब्रांड के साथ काम किया था और मैंने तभी यही प्रोडक्ट प्रमोट किया था। आई लव्ड इट और मैं फ्यूचर में भी इस ब्रांड के साथ काम करने वाली हूँ। तो इन्होंने मुझे बंच ऑफ प्रोडक्ट्स भेजे थे कि आप कोई भी एक चूज कर लो, आपको जो सूट करता है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं और मैं वो फ्यूचर में डेफिनेटली बात करने वाली हूँ। वो प्रोडक्ट अलग है लेकिन मुझे ये स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं दोबारा फीचर कर रही हूँ। आई लव इट। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है डॉक्टर शहद से, बट पर्सनली आई लव इट। अभी गर्मी है ना तो मुझे रात को क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करना नहीं पसंद बिकॉज स्किन अजीब सी हैवी भी फील होती है, तो मुझे जेल बेस्ड फॉर्मुलेशन अच्छी लगती है। आई जस्ट शो यू द टेक्स्चर, एकदम पतला जेल बेस्ड सॉर्ट ऑफ इसका टेक्स्चर है। मतलब आपको व्हाइट कलर की क्रीम लगेगी बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ जेल, और इसमें ये हल्दी ऐसे ग्लोब्यूल्स हैं, आप ये देख सकते हो छोटी-छोटी बॉल्स हैं, ये बेसिकली ब्रेक हो जाती हैं। जैसे जैसे मसाज करोगे ना स्किन में, ये प्रॉपर ब्रेक हो जाती हैं, ये भी मिक्स हो जाती हैं जेल के अंदर, बहुत अच्छे से एक स्किन को स्मूथ लेयर बनाती हैं। ये एक लौता ऐसा जेल है जिससे मेरी स्किन ड्राई मैट फील नहीं होती बिकॉज इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, सेरामाइड है, स्कॉलिन भी है इसके अंदर, 2% स्कॉलिन है जो बहुत अच्छे से नरिश करता है। आप अपनी स्किन को बहुत मैट साइड लेके जाओगे तो वो और ऑयल प्रोड्यूस करेगी, इसलिए कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट और ऑयल यूज करने के बाद जब जब मुझे लगता है मेरी स्किन उस टाइम ड्राई मैट फील हो रही है, मैं फटाफट ये जेल लगा लेती हूँ। बहुत अच्छे से उसको नरिश करता है, सूदिंग फील कराता है। जो हाइलुरोनिक एसिड है, सेरामाइड है, वो कहने की स्किन को सूद भी करते हैं, रेडनेस को कम करने की कोशिश करते हैं। सो जिनकी भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है ना, ये जेल अमेजिंग है। जब भी आपको डॉक्टर शहद पे या फिर अमेजोन पे सेल पे देखिए ना, ले लिया करो, अमेजोन पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे आपको मिलता रहता है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। माय नेक्स्ट फेवरेट इज फ्रॉम द ब्रांड फेस शॉप। ये फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट रिच क्लेंजिंग ऑयल, ओ माय गॉड, इसकी जो भी हाइप थी ना वो सही में बड़ी सच थी बिकॉज ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है। आई स्टिल रिमेंबर मैंने इसको एक दो साल से अपनी नायका के कार्ट में डाला हुआ था, कोई फॉक्सी कार्ट में डाला हुआ था, बट रिसेंटली मैंने ये परचेज ही कर लिया फाइनली। आई लव्ड इट। ये बहुत अच्छा ऑयल क्लेंजर है। अगर आपको नहीं पता, आप जब हैवी सनस्क्रीन लगाते हो, हैवी मेकअप लगाते हो, खाली माइसलो वाटर से ना काम नहीं चलता। हमें लगता है हमारी स्किन क्लीन हो गई लेकिन वो नहीं क्लीन होती, स्पेशली जो सिलिकॉन सनस्क्रीन होती है ना, लाइक इसमें भर भर के सिलिकॉन है तो वो अच्छे से नहीं जाता अगर आप अच्छे से ऑयल क्लेंजिंग ना करो। सो इसको मैं कैसे यूज करती हूँ, हाथ में थोड़ा सा लिया, अच्छे से मसाज किया, बहुत देर तक मैं उसको मसाज करती हूँ ताकि जो भी मेकअप है, मस्कारा है, लिपस्टिक है, सनस्क्रीन है, सब मेल्ट डाउन हो जाए। उसके बाद आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, कॉटन पैड से उसको रिमूव कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू माइसलो वाटर, या फिर आप डायरेक्टली फेस वॉश भी कर सकते हो। ये डबल क्लेंजिंग का स्टेप करने से आपकी स्किन बहुत डीपली क्लेंज हो जाती है, जो भी डर्ट ऑयल होता है सब अच्छे से निकल जाता है। आई पर्सनली लव्ड इट। ये ऑयल है लेकिन ये इतना पतला हल्का फील होता है ना, मैं अब तक या तो पहले कोकोनट ऑयल यूज करती थी या फिर फिगेरो का ऑलिव ऑयल यूज करती थी, ट्रस्ट मी उन सबको यूज करने के बाद ये इतना लाइट फील हो रहा है, बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होता है। इसको उतारने में टाइम नहीं लगता, बहुत ईजिली स्लाइड ऑन हो जाता है, बहुत अच्छे से सारा मेकअप रिमूव कर देता है। सो डेफिनेटली रियली नाइस। आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट, अगर इस पर सेल आती रहती है अमेजोन पर भी, आप ये ले सकते हो बिकॉज क्वान्टिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको एक या दो वीक से यूज़ करी, आप देख रहे हो मैं खाली यहाँ तक आई हूँ, तो आपको खाली एक या डेढ़ 1.5 पम्प चाहिए होता है एंड इट इज़ इनफ फॉर योर फेस, तो ये क्वान्टिटी आपकी बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगी। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अनदर रैंडम फेवरेट फ्रॉम द ब्रांड इनसाइट, ये इनसाइट का नेल पॉलिश रिमूवर इन द वेरियंट रेड रोज। इसके अंदर आपको 40 वाइब्स मिलती हैं और ये होती हैं कुछ इस तरह से, ऐसे आपको 40 वाइब्स मिलती हैं, सिंगल सिंगल आप इनको निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छा, मैं अब तक ना अपने लोकल मार्केट से लेके आती 30 समथिंग रुपीज़ की होती थी वो, और उनमें ना बीच में जब खरीदे उसमें स्मेल बहुत अजीब आने लगी तो मैंने उनको खरीदना बंद कर दिया था। तो रिसेंटली मैंने ऑनलाइन परचेज कर ली, दीज आर एक्चुअली वेरी नाइस। ये ऑयल की कुछ ऑयल बेस्ड है, मतलब इसके अंदर कुछ ऑयली जैसा है जो नेल पेंट को इतने अच्छे से निकाल देता है, तो अगर आपने 2-3 लेयर कोई नेल पेंट की लगाई हुई है ना, बहुत स्मूथली इससे उतर जाती है, वो हैसल नहीं रहती कि आपको ऐसे पोर करना है, नेल पेंट रिमूवर डालना है, जस्ट एक वाइप निकाला है, गुड टू गो। आप इसको अपने बेड साइड पे भी रख सकते हो, आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो। ये बाय द वे 60 रुपीज की और इसके अंदर आपको 40 वाइप्स मिलते हैं, सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से नॉट एट ऑल बैड। इनफैक्ट मुझे डब्बी भी काफी अच्छी लगी, जब ये आई थी ना, वैसे इसको खत्म करने के बाद ना मैं इसको अपनी ज्वेलरी डालूंगी बिकॉज मुझे ऐसी डब्बियां बहुत चाहिए होती हैं कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए। सो आई रियली लाइक इट। आई थिंक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये काफी अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दी। एंड लास्ट फेवरेट इज दिस मेकअप किट जो मैं लेके गई थी अपनी ट्रिप पर, जो मैंने फर्स्ट टाइम उसी टाइम यूज करी थी, मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी थी। ये मैंने 2 या 3 साल पहले ना अली एक्सप्रेस समथिंग या फिर क्लब फैक्ट्री, आई थिंक अली एक्सप्रेस से खरीदी थी। अब तो ऑब्वियसली आप ऑर्डर नहीं कर सकते अली एक्सप्रेस से, लेकिन ये डिट्टो अमेजोन पे मिल रही है। इनफैक्ट मैंने जिस प्राइस पॉइंट पे अली एक्सप्रेस से ली थी ना, उससे सस्ती ज्यादा भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। दिस इज वेरी गुड। ये काफी ब्रॉड है। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी ट्रैवल एसेंशियल्स की, प्लीज जाकर देखो। मैंने ट्रिप से वापस आके आपसे पूछा भी था कि आपको वीडियो चाहिए, तो आप सबने कहा था हाँ, तो मैंने उसी टाइम शूट करके अपलोड कर दी थी। मैं बेसिकली 2 पाउच लेके जाती हूँ, एक टॉयलेटरी का होता है और एक मेकअप का होता है। इसमें अपना मेकअप वाला लेके गई थी। आई लव दिस पाउच, इतना स्पेशियस है ना, एंड द गुड थिंग इज ये प्रॉपर ऐसे खुल जाता है
ऐसे प्रॉपर ये स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में खुल जाता है और ऐसे लॉक भी हो जाता है, एज इन जैसे रहता है तो ईजिली होता है, काफ़ी कुछ ना कुछ ढूंढना आसान हो जाता है, आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है आपको यहाँ पे जैसे दिख जाती है। इसका एक और वेरियंट मिल रहा है अमेजोन पे, जो सेम ऐसे फ्लेमिंगो प्रिंट में आता है, जो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में है, विच इज़ लाइक अ बिगर किट। आई थिंक मैं वो भी लेने की सोच रही हूँ, बिकॉज जब आप प्रॉपर कोई लंबी ट्रिप पर जाओ ना तो और ज़्यादा सामान होता है। मेरे दोनों टॉयट्री सारा मेकअप का आई थिंक एक किट में भी आ सकता है। सो अगर आप बड़ी वो लेना चाहते हो आप वो भी ले सकते हो, मैं नीचे लिंक कर दूंगी माई हॉल स्टोर के लिंक में। अदरवाइज मुझे ये पाउच भी काफ़ी सही लगा, रियली नाइस क्वालिटी, आई थिंक फॉर 299 और 399 दिस इज अ स्टील डी। सो दीज आर माई मे फेवरेट्स, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज चेक कर लेना। इसके अलावा डू लेट मी नो आपका मेकअप फेवरेट कौन सा रहा। मैंने जो भी वीडियोज़ की बात करी है, ट्रैवल एसेंशियल्स हो गया, मेरा व्लॉग हो गया, वो आपको मेरे चैनल पर दिख जाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ, मेरी प्रीवियस वीडियोज चेकआउट करो, गो एड एंड वॉच देम एज वेल, उनको भी उतना प्यार दो यार, मुझे अच्छा लगता है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।